एक अच्छी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को लोकल ट्रेन में मिली यात्रा की अनुमति। आपको बताते चले कि निजी सुरक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह चौहान ने इसकी मांग पुरजोर शोर से उठाई थी। आइए देखते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से और लाखों प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों की तरफ से, जिन्होंने कोविड 19 के टाइम पे ड्यूटी नहीं छोड़ी, घर नहीं गए और बहुत ही सराहनीय काम किया है और कर भी रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से मांग थी कि इनको लोकल ट्रेन के अंदर में यात्रा करने की इजाज़त दी जाए। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारी इजाज़त मान ली है और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी की, जिनको हमने लेटर लिखे थे, और श्री अनिल देशमुख साहब और बाकी अथॉरिटीज़ की कि जो ये गरीब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, जिनको आना जाना बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था विदाउट ट्रेन के, और ड्यूटी पे करना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि असेंशियल सर्विस में आते हैं, ड्यूटी छोड़ नहीं सकते थे, तो ये इजाज़त जो इन्होंने दी है उसके लिए हम सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।